हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा व्हाट्स द ड्रिल। सो सारे दिनों का मैं व्लॉग्स के हिसाब से डालूंगी, व्लॉग वन, व्लॉग टू, डे वन, डे टू, ऐसे करके। तो सारा सब कुछ, सारे व्लॉग्स मेरे यूट्यूब चैनल में, मैं अपनी प्लेलिस्ट, कश्मीर की प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगी, वहाँ जाके देख लेना आप लोग सारे व्लॉग्स। क्योंकि एक पूरा व्लॉग बनाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो डेली एक एक व्लॉग बना के डालूंगी, ठीक है? और पीछे के बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर कर लेना, बहुत कचरा मचा हुआ है क्योंकि सब पैकिंग वैकिंग, अभी लास्ट मोमेंट वाली पैकिंग चल रही है और अभी रात हो रही है बहुत। मेरी सुबह की फ़्लाइट है 7 बजे की, हाँ, तो 5:30 बजे, 5 बजे तक निकल लेंगे एयरपोर्ट के लिए और उसके बाद फिर स्टार्ट कर देंगे पूरा। तो पहले एक मिनट वेस्ट हुआ, आई एम सो सॉरी, आप थोड़ा सा स्किप कर लेना और थोड़ा सा मैनेज कर लेना, एंड उसके बाद पीछे थोड़ा सा मैं सुबह पड़ा इग्नोर करना, उसके बाद फिर हम लोग दिखाते हैं आगे का पूरा एयरपोर्ट वाला सीन और फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे हमारा। नैना दीदी, वुड यू लाइक टू कम? वाओ, नथिंग इज विजिबल, लुक एट द फॉग। हेलो, आ चुके हैं एयरपोर्ट पे और ये मेरा एयरपोर्ट रुक है, इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, थैंक यू, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था, मुझे अच्छे से ब्लॉगिंग मिल गई। और अभी कितना बज रहा है? 7:45 हो रहा है हमारी, 7:45 की फ्लाइट है, डिले हो गई थी थोड़ा सा, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा हिमालय के नज़ारे मिलने में। और मुझे लग रहा है अच्छा लग रहा हूँ मैं, क्यूट क्यूट, प्यारा प्यारा। हाँ, फ़ोन का कवर भी चेंज हो गया है तो थोड़ी सी बकबक या लूँ, बकबक करती हूँ, सॉरी, बट ठीक है। अभी थोड़ी देर में हिमालयस के व्यूज़ मिलने वाला है तो स्किप मत करना, देखते रहना पूरा। उसके बाद हम लोग श्रीनगर पहुँचे, वहाँ पे ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? विजिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, और बहुत ही हार्श लैंडिंग हुई थी क्योंकि बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, बहुत फॉग है। उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे श्रीनगर, 30 मिनट के बाद हमारी फ्लाइट चलेगी। हम लोग अभी अमृतसर एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं और लैंडिंग हमारी बहुत हार्श हुई थी। क्या कहना चाहेंगे आप? सर चलो आ गई, बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है, विजिबिलिटी इंडेक्स एकदम लगता है लो पता बहुत, इसलिए बहुत ही हार्श आ रही है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अभी हवा भी चल रही है और एकदम से बिल्कुल बहुत हार्श आ रही है। इस वजह से टेक ऑफ बहुत स्मूथ हुआ था, कैप्टन बहुत अच्छे थे हमारे, बहुत बढ़िया टेक ऑफ हुआ था एकदम स्मूथ, बट लैंडिंग के बाद बहुत गड़बड़ हो गया था बिकॉज ऑफ विजिबिलिटी ऑब्वियसली। आधे घंटे के बाद यहाँ से वापस टेक ऑफ कर लेंगे। भाई ये देखो पहाड़ का व्यू, आगे इस साइड दिख रहा है, वहाँ पे आ रहा है स्नो पार्क, हिमालय वाली रेंज। अब देखो अगर कैमरे
बढ़िया व्यू है भाई। ओह माय गॉड, लुक एट दिस जायंट। गाइज़ हम लोग आ चुके हैं कश्मीर में, हम लोग लैंड कर चुके हैं। बहुत सुंदर हो चुका है, वाइट एकदम पूरा वाइट हो गया है। और लेकिन यहाँ के फेयर्स बहुत महंगे हैं। हम लोगों ने एक टैक्सी बुक करी है, उसका किराया बहुत काफ़ी महंगा हो गया। उसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे अगर आप लोगों को चाहिए। वैसे यहाँ से पहलगाम जाने के लिए बहुत महंगा फेयर उन्होंने बताया। जो सारी रील्स पे वीडियोस बनती है दिस अंडर बजट, वो सब फालतू होती है। उनके ऊपर वो शायद मजा रहा है। यहाँ के तो हम लोगों को बहुत कट रहा है। तो फ्लाइट इतनी महंगी थी, फ्लाइट से फेयर इतने महंगे। तो उसके बाद एयरपोर्ट पे आके हम लोगों ने इनोवा क्रिस्टा करी है, उसके भी बहुत ज़्यादा फेयर से उन्होंने ले लिए हैं। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे पहलगाम, और रास्ते में वहाँ के रास्ते में वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। और यार यहाँ तो बहुत ठंडी हो रही है, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी अच्छी खासी ज़्यादा हो रही है। ये रही हमारी गाड़ी इनोवा क्रिस्टा। अब हम लोग देखो नंबर जस्ट इन केस प्रूफ के लिए। झारखंड की गाड़ी, झारखंड की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है। चलो हम लोग अब रास्ते में मिलते हैं, बाय बाय। गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने रिजॉर्ट पे। ये रहा हमारा रिजॉर्ट, इसका इंटीरियर दिखाते हैं। बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। हेलो, सिटिंग एरिया उधर रिसेप्शन था। आओ सुनाना दीदी, कम हियर। ओह माय गुडनेस, कैसा लग रहा है आपको? ठंड ठीक ठाक है। ये देखो तो मूवमेंट ऑफ ट्रूथ। अभी थोड़ी सी ठहरी हुई है नदी। इतना खतरनाक व्यू है। और ये रहा हमारा रिजॉर्ट, इसी में कहीं रूम ले लेंगे। ऊपर वाला हम लेंगे, ठीक है। छोटा सा रूम टूर कर लेते हैं। ये हमारा रूम है, ये रहा बेड, सिंपल सोवर सा, रजाई पड़ी है। बाहर की व्यूज हैं, पहाड़ वाले। यहाँ पे अभी हमारा थोड़ा सा लगेज है,
हीटर जो कि बहुत काम आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत हद से ज़्यादा ठंडा है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पे कुछ नहीं, बाथरूम है, सिंपल सोवर से ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। मैं और इधर एक और मेरा रहा है हमारा ये। मैंने इतने कपड़े पहन के रखे हैं तब भी मुझे इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है यहाँ पे, बहुत ठंडी, माइनस में टेम्परेचर है यार यहीं पे। कल जाएंगे हम लोग गुलमर्ग, वहाँ तो बहुत ठंडी होगी। मेरा हमारा व्यू तो भी ठीक ही ठाक है। हमारे रूम से निकलते ही यहाँ पे ये डोर खोलते ही यहाँ का व्यू देखो भाई, कितना गजब भाई, मतलब अलग ही। तो गाइज बस अभी डे वन में तो यही किया क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में ही बहुत टाइम लग गया, वहाँ से फ़्लाइट में आके, फ़्लाइट एक्चुअली डिले हो गई थी, अमृतसर पे हमारा हॉल था और वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी 1.5-2 घंटा रुकना पड़ गया क्योंकि वहाँ पे इतना गंदा वेदर हो रखा था, इतनी फॉग, मतलब 5 मीटर के आगे दिख नहीं रहा था कि क्या, मतलब क्या है। और वहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि बहुत ही हार्श लैंडिंग हुई थी, कैप्टन ने करवाई थी, वहाँ पे बहुत ख़राब वेदर था तो वहाँ पे बहुत टाइम लग गया हम लोगों को। और आते आते यहाँ पे बहुत टाइम हो गया पहलगाम में। तो डे वन में तो एज सच कुछ किया नहीं, अभी अगर छोटा मोटा काम हुआ तो वो कर लेंगे, दिखा देंगे मैं वो भी सब। और चलो फिर डे वन का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। सब्सक्राइब करना, व्लॉग अच्छा लगा तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, बाकी यू नो द ड्रिल, क्या क्या करना होता है। एंड बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।